ये है एक फ्रिज, ये है गोदरेज कंपनी का। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे ही अपन प्लग लगाते हैं तो ये है क्या है, कंप्रेसर से कट की आवाज़ आती है और फ्रिज कंप्रेसर ऑन नहीं हो पा रहा इसका। ठीक है, इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसको सबसे पहले एम्पियर पे डाल के अपन इसके एम्पियर देखते हैं कि ऑन होने पे एम्पियर कितना खा रहा है ये। ठीक है, इसलिए अपन ने इसने बोर्ड में लगा दिया एम्पियर मीटर, इससे ये अपन फ्रिज ऑन करेंगे। ठीक है, ये है अभी 0-0। ठीक है, अब लगाया अपन ने प्लग, अब ये देखते सबसे पहले एम्पियर कितनी खा रहा है। ये खा रहा है 3.986 एम्पियर खा रहा है। तो को अब इसमें क्या हुआ, कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा, इतने एम्पियर पे कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा। ये 1 एम्पियर का लोड होता, 1 एम्पियर से कम तो कंप्रेसर ऑन हो जाता। देखो 0-0 हो गए। ठीक है, तो अपन इस फ्रिज में चलते हैं और करते हैं काम। ठीक है, सबसे पहले अपन इस प्लग को हटाएंगे, प्लग को हटाने के बाद और चलेंगे अपन। अब अपन क्या करेंगे, इसको बॉक्स बॉक्स खोलने के बाद इसकी प्लग निकाल दी। सबसे पहले प्लग निकाल लें, ये तो करंट इतना बेहतरीन लगेगा तो काम ही हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, ये निकालो अपन इसका सामान, सामान निकाल के इसमें अपन ये नया सामान डालते हैं क्योंकि ओवरलोड और रिले दोनों बदल देते हैं और ये हो जाएगा चालू। यहाँ से नहीं हुआ तो फिर कंप्रेसर खत्म हो गया इनका, 3 एम्पियर का लोड लेके चलता है। ठीक है, यह है इसकी मैन। सबसे पहले इसमें मैन देखें, मैन कौन सी है, लगाना पड़ेगा दबा के निकल गई, ये निकल गई, ये हो गया इसका लॉक फ्री। और इसके बाद इसके 2 थंबनेल है, लगा दिया 2 कैपेसिटर के बारे में, ये मैन लाइन है इसकी। ठीक है, तो इसमें लगाएंगे अपन रिले, ये लगा दी अपन ने 1 पॉइंट पर रिले, दूसरे पॉइंट पर कैपेसिटर के बाहर, तो इसके लिए थिम्बल दूसरे लाने पड़ेंगे लग रहा है। चलो ये ऐसे काम नहीं कर रहा, इसकी क्लैंप को छोड़ा करते हैं, ऐसे दूसरी क्लैंप डालनी पड़ेगी। पहले अपन इसको ऐसे ही चेक टेस्ट कर लेते हैं, वो वर्क कर रहा है कि नहीं, वर्क करेगा तो पता चल जाएगा इतनी पे, नहीं करेगा तो फिर अपन दोबारा देखेंगे इसमें कुछ जो भी होगा। तो देखो अब लगाते हैं अपन इसका प्लग और टेस्ट करते हैं ये कितने एम्पियर ले रहा है। प्लग लगा ले, पहले अपन यहाँ पे एम्पियर मीटर लगा लेते हैं, एम्पियर मीटर लगा के और इसको करते हैं ऑन। ये कंप्रेसर ही फेल हो गया इसका, इसका होगा कंप्रेसर फेल, इसका कंप्रेसर फेल हो गया है। अब कंप्रेसर के लिए एक बार टेस्ट करते हैं इसको, बाहर निकाल के वाइंडिंग ओके है, कंप्रेसर ही खत्म हो गया इसका पूरा। कंप्रेसर को टेस्ट करते हैं, कंप्रेसर का बॉडी अर्थ क्यों नहीं हो गया, इस कार से ऐसा कर रहा हूँ।
चेक करते हैं कंप्रेसर कहीं बॉडी अर्थ तो नहीं हो गया। बॉडी अर्थ के लिए ठीक है अब एक काम करते हैं इसके कंडेंसर के तारों को काटते हैं शायद ऐसा हो रहा हो बताओ कंडेंसर को नहीं कर रहा होगा इसके दोनों तारों को काट दो फिर एक व्यवस्था करके काट के कंडेंसर को तार को बाहर निकाल लो चार्ज हो गया करंट देते हुए एक काम करें सबसे पहले तार को लेको लेके एक पॉइंट में लगाओ जी किस पे लगा तो एक लाइन इस पे कंडेंसर के बाहर को देखते हैं इसको अगर अभी भी ऑन नहीं हो रहा तो फिर ये कंप्रेसर गया काम से नया कंप्रेसर डालेगा फिर इसमें अब देखते हैं उसको लगा कर क्या बोल चलो उसको पूरी से लगा चालू हो गया कंपनी तरह हो गया कंपनी तो गया इसका कंपनी तरह खराब हो गया ठीक है एम्पियर ले रहा है 3.7 कंप्रेसर इसका गया ऐसा लग रहा है यहाँ तक इतना तक अब इस फ्रिज का कंप्रेसर हो गया ख़राब ठीक है अब अपन क्या करते हैं कि अपना सामान निकाल लेते हैं इसके अंदर से 3 एम्पियर ले रहा है ये इसलिए इसका कंप्रेसर हो गया ख़राब अब इसका कंप्रेसर बदलना पड़ेगा विदाउट बदली ये स्टार्ट नहीं होगा ख़त्म हो गया इसका कंप्रेसर अपने को इसमें न्यू कंप्रेसर डाल के तब अपन इसको दूसरा वीडियो पार्ट 2 बनाएंगे इसका तब आपको दिखाएंगे ठीक है फ्रेंड्स इसका ये 2 नंबर हो गया ख़त्म।